इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां टीम इंडिया को विश्व कप से ठीक पहले बड़ा धचका लग चुका है, जहां टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंजरी के कारण टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, जहां बुमराह विश्व कप से भी बाहर हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह को बैक स्ट्रेस इंजरी के कारण जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पहला T20 मुकाबला नहीं खेला था, जबकि BCCI की मेडिकल टीम ने बुमराह का टेस्ट किया तो बुमराह को एक बार फिर से बैक स्ट्रेस इंजरी हो गई, जिसके कारण जसप्रीत बुमराह विश्व कप से बाहर हो चुके हैं। जहां बुमराह को जब सामने रिपोर्ट सामने आई तो जसप्रीत बुमराह को 4 से 6 महीने अब खेल से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भारी चोट जसप्रीत बुमराह को लगी है। जसप्रीत बुमराह की जगह पर अब दो नाम सामने आए हैं कि विश्व कप के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट किसको रिप्लेसमेंट करती है। पहला नाम तो मोहम्मद शमी का आया है, जहां मोहम्मद शमी रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल है, जहां दूसरा नाम दीपक चाहर का भी आ रहा है, जहां दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी पहले T20 मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ की थी, जहां दीपक चाहर ने वहां 2 विकेट्स निकाली थी। यहां मोहम्मद शमी इस रेस में ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी रिजर्व खिलाड़ी के रूप में भी शामिल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।